स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उनका रीजन भी हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसे कि आपको हमने अपनी वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम में भी आपको समझाया था कि रियल नंबर्स के दो सेक्शंस होते हैं, रैशनल्स एंड इरेशनल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये सभी नंबर्स रियल नंबर के सेक्शन में जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। हमसे ये पूछा गया है कि नंबर लाइन पर कोई भी जो पॉइंट आप शो करते हैं क्या वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, जहां पर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करनी है कि क्या एम, हर एक m नेचुरल नंबर हम यहाँ पर पुट करें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या हर एक नंबर हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो हम ये बताएंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नंबर हमारे पास है अंडर रूट 1/2, ये भी एक रियल नंबर है, इसकी भी जगह नंबर लाइन में कहीं ना कहीं पर है, लेकिन ये इस फॉर्म का नंबर नहीं है जिसमें m एक नेचुरल नंबर हो, क्योंकि 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है और अंडर रूट 1/2 एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पर लाई करता है। तो दीज आर सम नंबर्स ऑन द नंबर लाइन और ये अंडर रूट एम की फॉर्म में भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हमसे पूछा गया है कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, तो आप इसका सीधा सा जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं जो कि इरेशनल से अलग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने बताया था कि रियल नंबर के दो सेक्शन होते हैं, रैशनल अलग और इरेशनल्स अलग। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हमसे पूछा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो इरेशनल ही मिलता है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका आप स्क्वायर रूट करेंगे दैट इज अ रैशनल नंबर, और आंसर में आपको कोई रैशनल नंबर मिलता हो। तो हम ये बताएंगे कि नो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिनका हम स्क्वायर रूट करते हैं और हमें इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनके आंसर में हमें इरेशनल ही मिलता है, जैसे कि अंडर रूट 2। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर में हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। वो इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल नंबर मिलता है। इसी तरह से 3, 5, 7, 11, 13, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पर हमें इरेशनल नंबर्स मिलते हैं। बट अभी हमारे पास बहुत से ऐसे नंबर बचते हैं जिनका स्क्वायर रूट रैशनल मिलता है, जैसे कि अंडर रूट 4। यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करें तो आंसर क्या आता है, 2, एंड 2 इज द रैशनल नंबर। नाउ 9 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर हमें मिलता है 3, एंड 3 इज द रैशनल नंबर। अंडर रूट 16 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पर रैशनल नंबर भी
मिलता है और बहुत से ऐसे नंबर भी हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पर हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ओके okay?